हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम्स। तो चलिए डिफरेंट केसेस भी देखेंगे। सबसे पहले बेसिक वाले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आइए मान लें रिवर बोट प्रॉब्लम्स। नो, आप कैप्शन दे सकते हैं। मान लो कि एक रिवर है, ये रिवर है और इसकी विड्थ जो चौड़ाई है रिवर की वो है डी। रिवर इधर फ्लो हो रही है, रिवर फ्लो की स्पीड है वी आर। और कोई भी स्विमर या बोट रिवर के साथ, मान ले ये निकला वीबी स्पीड पे, रिवर के साथ थीटा एंगल बनाते हुए स्विमर या बोट ये निकली वीबी स्पीड पे। अब दो चीजें पूछेंगे इस किस्म के क्वेश्चंस में, ध्यान से देखना। अब स्विमर या रिपोर्ट में दो वेलोसिटीज होंगी, एक रिवर के साथ इधर फ्लो होगा और इसकी खुद की वेलोसिटी, ये दो वेलोसिटीज है स्विमर के अंदर। तो रिजल्टेंट ये होगा इधर कहीं, रिजल्टेंट स्विमर रिवर के ये इस साइड कहीं यहां पे पहुंचेगा, ये है रिजल्टेंट वेलोसिटी। ये आप गौर करें तो ये रिवर की वेलोसिटी, ये स्विमर की वेलोसिटी, दोनों के बीच में एंगल कितना है थीटा, जो क्वेश्चंस में देंगे, और ये निकल दोनों के रिजल्टेंट में निकल जाएगी स्विमर या बोट कहीं इस डायरेक्शन में। तो दो चीजें पूछेंगी वो हमसे, अपोजिट बैंक ये, यहां स्टार्ट किया मैं मान लो ये पॉइंट ओ और ये अपोजिट बैंक ये, और ये पहुंचा मान लो इस पॉइंट पे बी, तो पहुंचना था यहां लेकिन स्विम करके पहुंच गया यहां, तो ये जो ड्रिफ्ट हुआ, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट कह सकते हैं इसे अपन, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। तो क्वेश्चन में पूछेंगे हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट कितना है, दूसरा सवाल पूछेंगे कितने टाइम में रिवर के दूसरे बैंक पे पहुंच गई बोट या स्विमर। अब ध्यान से देखना जरा, इस वेलोसिटी वी की बोट की वेलोसिटी, यहां पे एंगल थीटा है बोट का रिवर के साथ, तो इसका एक कॉम्पोनेंट इधर मिल गया आपको वी बी कॉस थीटा, और इस वी बी का एक कॉम्पोनेंट ही इधर वी बी साइन थीटा। ध्यान से देखना, दो डायरेक्शंस में बोट की मोशन हो रही है, आप देखें अगर तो बोट स्विम तो करके इधर पहुंची रही है, बस इधर भी ट्रैवल कर रही है दोनों डायरेक्शंस में, इधर भी ड्रिफ्ट हुई यहां से यहां पहुंच गई और इस बैंक से इस बैंक पहुंच गई, दो डायरेक्शन में मोशन है, एक अगर आप कहते हैं ये हॉरिजॉन्टल तो ये वर्टिकल, दो डायरेक्शन में। तो पहले बात करते हैं अलोंग वर्टिकल, हालांकि वर्टिकल कहना सही नहीं रहेगा, रिवर तो ऐसी प्लेन पे रहती है, लेकिन मैं इस डायग्राम में कह रहा हूं मान लो ये वर्टिकल है और ये है हॉरिजॉन्टल। अब एक्सीलरेशन तो है नहीं, तो क्या बोल सकते हैं अपन, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। मैं निकालने जा रहा हूं कि बॉडी रिवर या बोट रिवर को कितने टाइम में क्रॉस कर रही है, तो आप जरा देखें कि इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी है डी डी, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, इस वाले से तो फर्क पड़ेगा नहीं, हमने वेक्टर्स में पढ़ा था कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो भी चीजें हैं उनका इंपैक्ट वाई के अलोंग नहीं पड़ेगा, दो वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो उनका आपस में कोई इफेक्ट नहीं होता, तो ये हॉरिजॉन्टल का कोई इफेक्ट वर्टिकल पे नहीं होगा, तो इस डायरेक्शन में ट्रेवल करने के लिए ये वेलोसिटी की कंपोनेंट जरूरी है, अगर ये कंपोनेंट नहीं होगी तो बोट इधर ही स्विम करके चली जाएगी, उधर पहुंच नहीं सकती। तो इस डायरेक्शन जिसको मैं वर्टिकल बोल रहा हूं, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी की कंपोनेंट कितनी है वी बी साइन थीटा, तो टाइम हो गया डिस्टेंस बाई स्पीड, इतने टाइम के बाद वो रिवर को क्रॉस कर रही है, टाइम टू क्रॉस द रिवर, ये है टाइम टू क्रॉस द रिवर, ये रिवर को क्रॉस करने का टाइम। क्वेश्चन में वो एंगल बताएंगे, वो थीटा 30 40 60 कुछ देंगे, और ये ड्रिफ्ट कितना हुआ, तो जरा देखो अलोंग हॉरिजॉन्टल, अलोंग हॉरिजॉन्टल इस तरफ मैंने बोला हॉरिजॉन्टल, तो यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेशन तो है नहीं आते, तो ध्यान से देखना वही डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब जरा ध्यान से देखें अंदर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये ड्रिफ्ट हुई यहां से यहां, तो वो ड्रिफ्ट है ए बी,
जिसे हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट भी बोला हमने। ड्रिफ्ट मतलब पहुंचना था समर को इस तरफ, पहुंच गया वो इस तरफ ए से इतनी दूरी पर। तो अपोजिट बैक में ये जो डिस्टेंस है ये है ड्रिफ्ट। इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर आप देखें तो बोट के पास अब दो स्पीड है, एक वीवी कॉस थीटा और एक रिवर के साथ भी फ्लो, ये दोनों की दोनों है सेम डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन में वेक्टर्स होते हैं तो अपन ऐड करते हैं, मतलब वीवी कॉस थीटा प्लस वी आर, ये रही स्पीड बोट की। वीबी कॉस थीटा प्लस वी आर और इंटू टाइम, टाइम कौन सा, जितनी देर में यहां से यहां क्रॉस किया उसे वो टाइम में टी निकाल लिया हमने, इंटू टाइम टी। तो यहां से आप ये ड्रिफ्ट निकाल सकते हैं। तो देखो सिंपल एनालिसिस है ये, यहां से मिल गया आपको टाइम, कितने टाइम में रिवर क्रॉस होगी, और यहां से मिल गया आपको कि अपोजिट बैंक से यहां की, यहां से जो अपोजिट बैंक है वहां से ड्रिफ्ट कितनी कर गई बोट, ये। तो यहां से टाइम निकाल लिया, यहां से रीड करते हैं, बड़ा सिंपल सा केस है। एक थोड़ा सा इलस्ट्रेशन देखिए जरा आप इसी कॉन्सेप्ट पे, नोट करना हो तो वीडियो पॉज करके ये नोट कर सकते हैं आप। दो चीजें ध्यान रखनी है, टाइम कितने टाइम में रिवर क्रॉस किया और कितना ये ड्रिफ्ट है। अब देखें जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो आप, मान लो रिवर ट्रेवल कर रही है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, रिवर की जो विड्थ है वो मान लो 1/2 किलोमीटर, और जो सेलर है या जो बोट है वो रिवर के साथ जा रहा है मान लो 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और रिवर केस के साथ ही 60 डिग्री के एंगल पे, ये है बोट की स्पीड। अब दो चीजें पूछेंगे जैसे आपको मैंने अभी पढ़ाया, पहला कि कितने टाइम में रिवर होगी क्रॉस, और दूसरा कि कितना हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट हुआ। चलिए आइए देखते हैं। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स इधर 6 cos 60, cos 60 की वैल्यू 1/2, 2/3 या 6, मतलब ये आगे वैल्यू 3 किलोमीटर पर आवर, और इधर कंपोनेंट हो गया 6 sin 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2, 2/3 या 6 कट जाएगा, दी आ जाएगी वैल्यू 3√3 किलोमीटर पर आवर। मतलब इस वेलोसिटी से रिवर क्रॉस होगी और ये दो वेलोसिटीज इसको ड्रिफ्ट देंगी, मतलब कि ये वेलोसिटी और ये रिजल्टेंट ये कहीं रहेगा, ये यहां पहुंच जाएगा, मान लो ये पॉइंट टू अपोजिट बैंक ए, और ये यहां पहुंच गया, ये पॉइंट है बी, ये ड्रिफ्ट निकालिए ये बी, और ये टाइम निकालना है कितने टाइम में रिवर क्रॉस होगा। तो टाइम टू क्रॉस हमें चाहिए रिवर क्रॉस करने का टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये देखा आपने 1/2, और इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी 3√3, मतलब कि टाइम आगे बोलिए 1/2 नीचे आ गया तो 6√3 आर इतना टाइम लगेगा बोट को रिवर क्रॉस करने में। अब ये ड्रिफ्ट निकालनी है, ड्रिफ्ट तो ध्यान से देखना, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ड्रिफ्ट इधर है हॉरिजॉन्टल, और ये था डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल रिवर क्रॉस करने के लिए। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें आप, तो एक स्पीड ये है 3 और रिवर भी साथ में लेके जा रही है 4, दोनों है सेम डायरेक्शन में, ये दोनों ऐड होंगी, मतलब लिख सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू ये जो डिस्टेंस है स्पीड इंटू टाइम, इधर स्पीड कितनी है 3+4 इंटू टाइम, टाइम कितना लेके आए 1/6√3, मतलब ये आ गई 7/6√3 किलोमीटर। ये जो ड्रिफ्ट है यहां से यहां ये मिला आपको 7/6√3 किलोमीटर। तो इलस्ट्रेशन था ये आपको समझाने के लिए कि बड़े आराम सी चीजें अपन सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए कुछ इसके स्पेशल केसेस देखते हैं अपन। To cross the river in shortest time. Shortest time में river cross करना है swimmer को या boat को। तो वैसे shortest time में cross करने के लिए boat को चलना जाना चाहिए river से exactly 90 के direction पे। ये मुझे याद है, बहुत से लोगों को भी पता होगा, क्योंकि 90 पे चले जाएंगे तो river के speed का कोई effect नहीं होगा। लेकिन अगर आपको इसका फील नहीं आता तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं आप ये,
ध्यान से देखिए, रिवर की विड्थ डी, रिवर वेलोसिटी वी आर, और मान लो कि वर्टिकल के साथ ये स्विमर चला इधर वी बी, बोट चले इधर, इसके साथ ये थीटा एंगल पे, सेम डायग्राम जो बनाया था अभी थोड़ी देर पहले मैंने, इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर इस तरफ वी बी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर वी बी साइन थीटा। रिजल्टेंट इधर कहीं निकलेगी बोट, ये वेलोसिटी ये और एक ये, इन दोनों का रिजल्टेंट, ये बोट इस डायरेक्शन में निकलेगी कहीं, ये यहां कहीं पहुंचेगी अपोजिट साइड इस वाले डायरेक्शन में, इधर यहां कहीं पहुंचेगी, ये अपोजिट बैंक ए, और इधर यहां पहुंची ये ए बी ड्रिफ्ट। सवाल ये है कि पूछ रहे हैं आपसे कि इतना शॉर्टेस्ट टाइम क्या होगा एक बोट को रिवर क्रॉस करने का, तो आइए चलिए निकाल लें यहां से। देखो आप, टाइम टू क्रॉस द रिवर क्या मिलेगा, टाइम टू क्रॉस द रिवर, चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो रिवर की अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितनी, रिवर की अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितनी डी, और रिवर की अलॉन्ग वेलोसिटी कितनी वी साइन थीटा, इससे फर्क नहीं पड़ता ये तो हॉरिजॉन्टल है, मैं इसको हॉरिजॉन्टल बोल रहा हूं इसको वर्टिकल बोल देता हूं, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी वी बी साइन थीटा। अब बोट कितने स्पीड से ट्रेवल करेगी वो यहां पे कांस्टेंट है, हमें निकालना है कि वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल करना स्टार्ट करे ताकि वो शॉर्टेस्ट टाइम में दूसरे साइड पहुंच जाए रिवर के अपोजिट बैंक पे, जरूरी नहीं है यहां भी अपोजिट साइड पहुंच जाए। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर आपको चाहिए टाइम मिनिमम तो वी, ये डिनोमिनेटर जो है ये होना चाहिए मैक्सिमम, तो ये तो खैर ये कॉन्स्टेंट है, अगर ये मैक्सिमम हो जाए साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है वन, अगर ये मैक्सिमम हो जाए तो टाइम हो जाएगा मिनिमम, डिनोमिनेटर अगर मैक्सिमम तो पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू मिनिमम, तो अगर टाइम मिनिमम चाहिए तो साइन थीटा को होना पड़ेगा मैक्सिमम। हम में से हर कोई इस बात से वाकिफ है कि अगर साइन थीटा मैक्सिमम है मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी वन, और साइन थीटा वन मतलब थीटा पाई बाय टू या 90 डिग्री से बोलते हैं आप रेडियन में पाई बाय टू, मतलब शॉर्टेस्ट टाइम के लिए बोट को जिस डायरेक्शन में ट्रेवल करना पड़ेगा उस डायरेक्शन का एंगल है 90, किसके साथ रबर के साथ, तो ये थीटा 90 मतलब इस डायरेक्शन में ट्रेवल करना पड़ेगा, और ड्रिफ्ट कितनी होगी, ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट कितना था, ड्रिफ्ट मतलब ए बी, इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट देखें अगर तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है वी बी कॉस थीटा प्लस वी आर, वी बी कॉस थीटा प्लस वी आर, ये है इधर वेलोसिटी, और टाइम कितना लिया ट्रेवल करने में उनने डी बाई वी बी साइन थीटा। शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर को क्रॉस करना है तो शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर को क्रॉस किया उसने तो वहां पे थीटा इज इक्वल टू कितना मिल गया पाई बाय टू, तो रख दो यहां पे वी बी कॉस पाई बाय टू प्लस वी आर, और डी बाई वी बी साइन पाई बाय टू साइन 90, और ये देख सकते हैं आप कॉस 90 की वैल्यू कॉस 90 जीरो साइन 91, मतलब ये आ गया वी आर इंटू डी, ये वाला टर्म खत्म जीरो बचा वी आर इंटू डी और साइन 91 बाई वी बी, ये है ड्रिफ्ट आपका ए बी, इधर यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगी आपकी बोट, और मिनिमम टाइम कितना लगेगा भाई तो निकाल ही लिया हमने, मिनिमम टाइम कितना लगेगा भाई तो थीटा पाई बाय टू पे टाइम मिनिमम चाहिए, देखा हमने कि अगर टाइम मिनिमम अगर चाहिए तो साइन थीटा वन थीटा पाई बाय टू रख दो यहां पे, तो डी बाई वी बी साइन इस फॉर्मूले में थीटा की जगह पाई बाई टू साइन 91, मतलब मिनिमम टाइम क्रॉस करने का आ गया डी अपॉन वी बी, इतना शॉर्टेस्ट टाइम में जिसमें बोट रिवर को क्रॉस करेगी, और इतने टाइम में ड्रिफ्ट कितना होगा तीरा ड्रिफ्ट आपका वी आर इंटू डी अपॉन, ये रिजल्ट्स आप बिल्कुल याद ना रखें, रटने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस फिजिक्स में आएंगे जहां पे आपको समझना और इक्वेशंस बनानी पड़ेगी, रटना बिल्कुल भी नहीं है, आप जरा ध्यान दीजिए इधर, मिनिमम टाइम डायरेक्शन ऑर्डर,
तो अगर शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना है तो शॉर्टेस्ट टाइम चाहिए डी अपॉन वीबी, शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना है तो रिवर के परपेंडिकुलर जाना पड़ेगा, देखो थीटा 90, और शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर क्रॉस करेगा तो ड्रिफ्ट इतनी होगी। चलिए केस ये देखा हमने, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके नोट कर लें। अब हम आते हैं दूसरे केस की तरफ। अगला अलग केस बन सकता है दूसरा कि इफ बोट हैज, इफ बोट हैज टू रीच एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट ऑन द अदर साइड, अगर रिवर के दूसरे तरफ बोट को एग्जैक्टली पहुंचना है अपोजिट साइड उसी पॉइंट पे, मतलब ऐसा कुछ, ये रिवर मान लें, रिवर की विड्थ डी मान लें, रिवर के फ्लो होने की स्पीड वी आर मान लें, और अगर मान लो यहां से स्टार्ट कर रहा है अगर बोट, स्विमर बोट कोई भी स्टार्ट कर रहा है अगर, तो एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट मतलब कि उसे यहां पे पहुंचना है। देखो कॉमन सेंस है, अगर एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पहुंचना है मतलब कि ड्रिफ्ट कितनी होगी, जीरो। बोट की रिजल्टेंट अगर इसी पॉइंट पे पहुंचना है मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी होनी चाहिए, इस तरफ होनी चाहिए, इधर ट्रेवल करना चाहिए बोट को, तो रिजल्टेंट डी होना चाहिए। अगर आप ये लेंगे बोट की वेलोसिटी, जरा ध्यान से देखना, अगर मान लो बोट इस डायरेक्शन में ट्रेवल करे तो ये बोट की वेलोसिटी और ये रिवर की वेलोसिटी, इन दोनों का रिजल्टेंट डी होगा, यहां पे पहुंचेगी बोट। अगर बोट इधर कहीं किसी एंगल पर ट्रेवल करे, इधर ये मान लो कि ये बोट की वेलोसिटी और ये रिवर की, तो एक पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट इधर आ जाए। हमें ये चाहिए कि बोट जो है उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर हो, तभी वो अपोजिट साइड अपोजिट बैंक पे पहुंचेगी, एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचेगी। इसलिए आप ये अक्यूट एंगल ये नहीं ले सकते, अगर आप ये एंगल लेंगे तो आपको देखो जाहिर है यहां से कि ये है बोट की वेलोसिटी, ये है रिवर की, तो रिजल्टेंट इधर कहीं ट्रैवल करेगा, बोट यहां कहीं पहुंचेगी, तो स्विमर ये बोट को कहीं इधर स्टार्ट करना चाहिए, इधर बोट की वेलोसिटी, इधर रिवर की वेलोसिटी और ये रिजल्टेंट हो जाएगा, है ना। तो बोट को ट्रैवल करना चाहिए इस किसी डायरेक्शन में, मान ले ये वी बी, डायरेक्शन कौन सा ये चीज अभी विलट कर लेते हैं अपन। आइए तो बोट में अब दो वेलोसिटीज हैं, वी बी बोट की खुद की और रिवर भी लेना चाह रही है इस तरफ ले जा रही है इसे, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर आनी चाहिए, इधर बोट इधर ट्रैवल करेगी और ये पहुंच जाएगी अपोजिट बैंक पे। तो ड्रिफ्ट कितना हुआ, कुछ भी, कोई भी ड्रिफ्ट नहीं, जीरो, एग्जैक्टली अपोजिट इधर कहीं पहुंची तो ड्रिफ्ट होता है, यहां से आपको ड्रिफ्ट तो है नहीं। अब ध्यान देना, हम कोई डायरेक्शन मान लो ये एंगल है थीटा, मान लो थीटा, ये कॉम्पोनेंट वी बी कॉस थीटा, जिसके साथ थीटा एंगल को कॉस थीटा कॉम्पोनेंट, और ये परपेंडिकुलर को हमें 90 माइनस थीटा आ गया कॉम्पोनेंट वी बी साइन थीटा। ध्यान देना तो ड्रिफ्ट कितनी है इधर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर आप देखें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कितनी है, जीरो। हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट ये क्या है, जीरो। इधर ड्रिफ्ट नहीं, ना यहां से यहां शिफ्ट हुई, ना यहां से इधर शिफ्ट हुई, ना तो यहां से इधर शिफ्ट हुई, एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे। तो ड्रिफ्ट क्या लिख सकते हैं अपन, वी आर इज इक्वल टू वी बी साइन थीटा, ये दोनों वेलोसिटी की कंपोनेंट्स बैलेंस हो गई होंगी, तभी ये बोट, अगर मान लो ये ज्यादा रहता तो बोट इधर शिफ्ट हो जाता, इधर कहीं पहुंचता, अगर वी बी साइन थीटा ज्यादा होता तो बोट कहीं इधर शिफ्ट होता, एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे, बोट का इधर या इधर ड्रिफ्ट नहीं हुआ, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बोट की कोई वेलोसिटी नहीं है, इसलिए वी आर इज इक्वल टू वी बी साइन थीटा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रहा हूं, बोट का इधर ड्रिफ्ट नहीं हुआ, अगर इधर ड्रिफ्ट होता मतलब वी आर ज्यादा होती, बोट इधर शिफ्ट कर जाती मतलब वी बी ज्यादा होती, लेकिन बोट इधर उधर कहीं शिफ्ट नहीं हुई, मतलब ये दोनों बराबर है। यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू निकाल सकते हैं वी आर अपॉन वी बी, ये एक्सप्रेशन आपको दे देगा डायरेक्शन की, कौन से डायरेक्शन में बोट को ट्रेवल करना स्टार्ट करना चाहिए। अब इसके आगे की कहानी देखें, यहां से हमें मिल गई डायरेक्शन, क्वेश्चंस में वी आर वी बी की वैल्यू देंगे,
जैसे भैया दे दिया, मान लो कि 5 किलोमीटर पर आवर, बोट की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, 5/10 sin θ 1/θ 30, इस तरह के वैल्यूज डेटा देंगे, आपको परेशानी नहीं होगी। अब जरा देखें टाइम टू क्रॉस द रिवर। तो हम अगर हमें एग्जैक्टली अपोजिट बैंक पे पहुंचना है, एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है, तो इस डायरेक्शन में बोट को सेल करना पड़ेगा। अब टाइम कितना लगेगा क्रॉस करने में, वो देखिए, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, एक्सेलरेशन है नहीं, तो यहां से यहां क्रॉस करने में डिस्टेंस कितनी, डी, और स्पीड कितनी इस डायरेक्शन में, vb cos theta। तो t इज इक्वल टू आ गया डी बाई वी बी कॉस थीटा, को लिख सकते हैं चाहे तो अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, क्या फर्क पड़ता है, रूट स्क्वायर कैंसिल, अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा को चाहे तो लिख दें, हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा को रूट के अंदर लिख सकते हैं 1 - sin² θ, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिया अंडर रूट 1 - sin² θ, साइन थीटा की वैल्यू है यहां, ये आप देख बोलिए t इज इक्वल टू डी बाई, ये अब साइन थीटा की वैल्यू छोटा के रख दें, तो t इज इक्वल टू आ गया डी बाई वी बी अंडर रूट वी बी 1 - sin² θ, तो साइन थीटा की वैल्यू इतनी छोटे रख दें यहां से, वी आर स्क्वेयर बाई वी बी स्क्वेयर, तो t इज इक्वल टू यहां से वैल्यू आ गई डी स्क्वेयर रूट से वी बी स्क्वेयर माइनस वी आर स्क्वेयर रूट से बाहर आया, तो वी बी कट गया, मैं सॉल्व कर रहा हूं समझी, वैल्यू आ गई डी बाई अंडर रूट वी बी स्क्वेयर माइनस वी आर स्क्वेयर, इतने टाइम में वो रिवर क्रॉस कर जाएगा। तो अगर ड्रिफ्ट बिल्कुल भी नहीं चाहिए, एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पहुंचना है, तो इस एंगल पे उसे स्टार्ट करना पड़ेगा, इधर स्टार्ट करना पड़ेगा, और कितने टाइम में इसको पहुंचेगा अपोजिट बैंक, तो ये है। कुछ लोग रिजल्ट याद भी रखते हैं, आप भी चाहें तो याद रख सकते हैं। इसमें एक छोटी सी कहानी देखो जरा, इस वाले रिजल्ट में मान लो कि VB less than VR, अगर ऐसा हो जाए VB less than VR, तो ऐसे में रूट के अंदर का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव इमेजिनरी, इसका मतलब अगर बोट की वेलोसिटी कम होगी VR से, रिवर के वेलोसिटी से, तो आप कुछ भी कर लें, कोई सी भी कोशिश कर लें, आप एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे नहीं पहुंच सकते। देख लो यहां पे टाइम की वैल्यू, अगर VB अगर VR से कम हो गई तो टाइम इमेजिनरी आ जाएगा, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। ये केस देखा हमने जब एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पहुंचना है। अब आइए एक केस देखते हैं, एक प्लेन वाला केस देखते हैं, आओ यही कॉन्सेप्ट लगाते हैं एरोप्लेन वाले क्वेश्चन में। रिवर बोट से मिलता जुलता है, मान लो एक छोटा सा इलस्ट्रेशन देखिए, सेम इसी कॉन्सेप्ट है, मान लो ये क्या लेते हैं, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये पॉइंट ओरिजिन है, और यहां से पहुंचना है मान लो इस पॉइंट बे पॉइंट ए पर, ये दूरी है फॉर एग्जांपल 500 किलोमीटर पर आवर। एयर जो है वो ईस्ट की तरफ, एयर जो है ईस्ट की तरफ फ्लो हो रही है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट की तरफ, तो प्लेन किधर स्टार्ट करे, किस डायरेक्शन में स्टार्ट करे ताकि वो फाइनली ए पे पहुंच जाए। तो जाहिर सी बात है कि प्लेन को अगर यहां से स्टार्ट करोगे अगर, तो ये अगर इसी डायरेक्शन में स्टार्ट कर, और ऐसे मान लो कि सोचा प्लेन नहीं करे, इधर ही तो जाना है, इधर ही स्टार्ट करते हैं, तो अगर इधर स्टार्ट करेंगे और इधर एयर का ड्रिफ्ट, एयर की भी वेलोसिटी है, तो रिजल्टेंट ये कहीं हो जाएगा, कहीं और पहुंच जाएंगे प्लेन, इसलिए इसको कहीं इधर से स्टार्ट करना पड़ेगा। मान लो ये प्लेन, प्लेन की स्पीड है मान लो 200 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कम है, समझने के लिए दिया आपको, ऐसा नहीं है कुछ, 200 किलोमीटर पर आवर ये प्लेन की स्पीड। तो देखो ऐसा हो सकता है, आप ये वही बोला था मैंने कि यहां से नहीं करके, यहां से अगर स्टार्ट करते तो इधर कहीं निकल जाते, सीधा इसी को एम करते हुए स्टार्ट करते तो ये होती प्लेन की वेलोसिटी, ये एयर का ड्रिफ्ट, तो प्लेन कहीं इधर कहीं पहुंच जाता, तो प्लेन ने इधर स्टार्ट किया कि प्लेन की वेलोसिटी इधर, एयर की इधर, तो रिजल्ट इधर कहीं आ जाएगा। मान लो कि ये थीटा एंगल, तो रिजल्टेंट इस तरफ आना चाहिए, है ना, तभी प्लेन पहुंचेगी। तो प्लेन की वेलोसिटी का कंपोनेंट ये आ गया 200 cos theta, ठीक है,
और ये डायरेक्शन बताएंगे ओए किधर, ये जो डायरेक्शन है ना किधर आपको जाना है ये बताएंगे। मान लो कि अगर ये 45 डिग्री है तो 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ है, ये कुछ बताएंगे। मान लो कि ये 30 डिग्री है फॉर एग्जांपल 30, तो एयर की ड्रिफ्ट इधर 35 किलोमीटर पर आ, इधर एयर फ्लो हो रही है इधर 5 किलोमीटर पर आवर से, तो इधर एयर की वजह से स्पीड जो मिल जाएगी 30 का एंगल है, तो 5 cos 30। मतलब प्लेन के पास दो स्पीड्स हैं अभी, 200 cos 30 थीटा, सॉरी इस तरफ, और एयर की वजह से 5 cos 30। ये 30 डिग्री का एंगल ये बताएंगे वो, जिधर जाना है आपको, जहां से स्टार्ट कर रही है प्लेन उधर से नॉर्थ ईस्ट किधर जाना है वो तो बताएंगे, तो वो 30 एंगल बताएंगे। ये है रिजल्टेंट। अब ये कैसे निकालें थीटा, किधर ट्रेवल करें, तो ध्यान से देखना, कोई छोटी सी बात है, रिजल्टेंट ये है। अगर वेक्टर का रिजल्टेंट ये है तो y कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा रिजल्ट, अगर इस डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, जीरो। तो अगर रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट निकालें तो वो कॉम्पोनेंट होनी चाहिए जीरो। रिजल्टेंट इधर है, ये रिजल्टेंट का परपेंडिकुलर लिया मैंने, ये 90 का एंगल, तो ये 30, तो ये एंगल कितना हो गया 60, ये थीटा, तो ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा। मैंने रिजल्टेंट से ये परपेंडिकुलर ले लिया, इस डायरेक्शन में कोई कॉम्पोनेंट होगी नहीं इसलिए उसको जीरो करूंगा मैं, तो 200 ये एंगल है 90 माइनस थीटा, तो इसका एक कॉम्पोनेंट हो गया 200 cos 90 माइनस थीटा, और इसका एक कॉम्पोनेंट 60 का एंगल है तो आ गया 5 cos 60। ये देख लें 65 cos 60, और ये दो कॉम्पोनेंट बराबर कर दें, 200 cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 5 cos 60। ये कैसे लिया हमने, क्योंकि रिजल्टेंट इस तरफ है तो रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई कॉम्पोनेंट नहीं होगी, इसलिए दो कॉम्पोनेंट मिले तो दोनों को बराबर कर दिया ताकि नेट हो जाए जीरो। तो 2 cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो 200 sin थीटा, 5 cos 60 कितनी हो गई 1/2, तो 5/2 40, 200 साइन थीटा की वैल्यू आ गई 40 आ गया, तो 1/80। मैंने ये डायरेक्शंस आर्बिट्ररी चूज करी थी ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट इसका, बाकी क्वेश्चंस में आपको डेटा ऐसी देंगे कि आप आराम से सॉल्व कर सके। तो ये देखो आप, प्लेन को यहां से यहां पहुंचना था, एयर फ्लो हो रही थी 30 पे, तो प्लेन को मैंने इस एंगल पर ड्रिफ्ट किया, तो यहां से एक कॉम्पोनेंट आ गई 200 cos थीटा, एक कॉम्पोनेंट आ गई 5 cos 30। रिजल्टेंट इस तरफ होनी चाहिए प्लेन की ताकि यहां से ही वो इधर पहुंचे, तो अगर रिजल्टेंट इधर होगी तो इधर परपेंडिकुलर कंपोनेंट रिजल्टेंट के क्या होंगे जीरो, वो कंपोनेंट हमने बराबर कर दिए। आप पूछेंगे वो कितने टाइम में रिवर्स करो, ये कितने टाइम में ओ से ए पहुंच जाएगा प्लेन, तो कोई ऐसी बड़ी बात कही नहीं, ये जब निकाली दिया आपने तो क्रॉस क्रॉस कहना नहीं चाहिए मुझे, यहां से ओ से ए पहुंचने का टाइम, तो ओ से ए पहुंचने का टाइम क्या होगा, ओ से ए तक की डिस्टेंस कितनी है 500 किलोमीटर, डिस्टेंस बाय स्पीड, और स्पीड कितनी होगी 200 cos थीटा प्लेन की वजह से, और इस एयर की वजह से 5 cos 30। साइन थीटा की वैल्यू आ गई यहां से, तो आप cos थीटा निकाल सकते हैं, अंडर रूट 1 sin² थीटा यहां से आप निकाल दोगे टाइम भी। तो ये केसेस थे रिवर बोट प्रॉब्लम्स वाले। तो आज की क्लास के सेशन को अपने यहीं पे रोकते हैं, अपने साथियों दोस्तों को जिनको जरूरत है उन तक मेरी बातें पहुंचाएं, मेरे वीडियो की खबर पहुंचाएं, ताकि वो लाइक करें सब्सक्राइब करें, मैं और मोटिवेटेड फील कर सकूं और आपके लिए और बेटर काम कर सकूं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।